कल क्या बैंक निफ्टी वापस से 37,000 की तरफ मुड़ सकता है या 37,500 जा सकता है, या फिर हमको नए लोस देखने को मिल सकते हैं कि 36,000 35,800, जैसे इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं गाइस, इस वीडियो के साथ बैंक निफ्टी का वीडियो रहने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल के बारे में, जहां पर आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी। जैसे कि अगर आपसे कभी वीडियो मिस भी हो जाता है तो मैं सुबह डाल देता हूँ कि हमारा बुल लेवल क्या था, बियर लेवल क्या था। जैसे आज बियर लेवल 17,490 था, 390 का टारगेट था, 100 पॉइंट्स हमको मिले। उसके बाद भी जब मार्केट फर्दर नीचे गिरा तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर नाउ टारगेट इज 17,150 एंड 17,000, वो हमको वहां से 250 पॉइंट्स निफ्टी में मिलेगा। इस फिर एक बाउंस एक्सपेक्ट किया था आपको 15 मिनट के अंदर ही, बहुत बड़ा बाउंस देखने को मिला था। एंड निफ्टी का वीडियो जो भी अपडेट्स होते हैं मैं वहां पर डाल देता हूँ, जरूर ज्वाइन करना, नीचे लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं गाइस। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक डबल टॉप बनाया, उस डबल टॉप को तोड़ने के बाद मार्केट अभी 50% वाले रिट्रेसमेंट लेवल पर आकर खड़ा हुआ है। यहां से मार्केट बहुत अच्छा ऊपर हम लोगों को जाता दिखा, एंड अभी करंटली रिट्रेसमेंट में जाता हुआ दिख रहा है। 36,400 इज नाउ द न्यू बियर लेवल, जो कि हमारा है 50% रिट्रेसमेंट का फिबोनाची मार्क। एंड इसके नीचे हम लोगों का जो सीधा सीधा टारगेट रहेगा वो गाइस रहेगा स्ट्रेट अवे 36,000 का, नो इन बिटवीन। अच्छा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आई थिंक इसको इट्स वेरी वेरी कंपल्सरी कि 37,000 को रिकैप्चर करना चाहिए। एंड 37,000 इज ऑल्सो अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि 38% का लेवल है। इस लेवल के ऊपर जो टारगेट रहेगा वो स्ट्रेट अवे आई थिंक रहेगा 37,290 का। इसके इन बिटवीन आई थिंक कोई बीच का लेवल नहीं होगा, बाकी मैं आपको टेलीग्राम अपडेट कर दूंगा। अब यहां से बायस की बात करते हैं गाइस। देखो हुआ क्या कि छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे टुवर्ड्स द एंड हमको एक रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिली, जैसा कि हम लोग को फ्राइडे को देखने को मिला था। नीचे से मोटा मोटा गाइस 600-700 पॉइंट्स का बाउंस, इट इज मैसिव यार। नीचे से 700 पॉइंट्स का बाउंस आपको नहीं देखने को मिलता है, बट आज देखने के लिए मिला, और वो भी लास्ट के 1-1.5 घंटे के अंदर। अब आइदर दिस कैन बी अ बुल ट्रैप कि लोग इसके अंदर एक ट्रैप की तरह फंस कर रह जाए यहां पर हम लोगों को, क्योंकि देखो गाइस एक ब्रेकआउट तो यहां पर एंड में देखने को मिला, बट वो ब्रेकआउट टुवर्ड्स द एंड फेल हो गया। अब यहां से फर्दर नीचे का हमको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, अगर सीधा गैप डाउन ही खुल जाए, बट हम लोगों को लेवल्स के बाहर ऑपरेट नहीं करना। जो दो लेवल्स आपको बताए हैं आई थिंक वो लेवल्स ही एज ऑफ नाउ, दीज लेवल्स आर किंग लेवल्स, और इनके अलावा आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे बहुत अच्छा ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट टूट चुका है। अब अगर कल इस सपोर्ट को रिकैप्चर करेगा तो जो मेरा परमानेंट एक बुलिश बायस था ना, जो आप लोगों को बताया था कि 40,000 हमको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा, 37,400 के ऊपर जो बायस है मेरा वो प्रॉपर बुलिश हो जाएगा। एंड आई थिंक इस लेवल के ऊपर हम लोगों को मार्केट तमीज से बुलिश होता हुआ दिख जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड